हेलो दोस्तों, आपका द मम्मीज ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए झटपट बनने वाला और जल्द से जल्द 10 मिनट में बन के तैयार और कहीं धूप की जगह डालने की जगह जरूरत नहीं और ज़्यादा दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं और झटपट बन के तैयार हो जाएगी आपके मिर्ची अदरक और लहसुन का अचार। सबसे पहले हमने मिर्ची लिया था 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन। पहले उनको धो करके साफ से उनको अच्छे कपड़े से धो के थोड़ा हवा लग गया। हवा लगने के बाद सब तो पोंछ दिए कि उसमें कुछ भी पानी का असर ना रहे। फिर छोटे छोटे टुकड़े में अदरक और लहसुन और मिर्ची के टुकड़े टुकड़े काट दिए। काटने के बाद फिर उसमें हल्दी, नमक और मिला के रख दिए कि वो खराब ना हो। पहले मिला लेते हैं, उसके बाद वो खराब नहीं होता है, मिला लेना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें 2 चम्मच के करीब विनेगर, हमने हमारे घर में विनेगर था तो हमने 2 चम्मच बड़े चम्मच से 2 चम्मच डाल दिया उसमें, और हल्दी, नमक और विनेगर के साथ उसको मिला के 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिए थे। अच्छी तरह से मिला लिए। फिर उसमें डालने के लिए अचार का मसाला, उसमें अजवाइन, सौंफ, मेथी और राई, ये 3 चीज अचार में पड़ता है, और कलौजी, उसको थोड़ा उसको सेक लिए, सेक के उसको रख दिए। और फिर कढ़ाई में 1/2 कप के करीब तेल गरम करके खौला के रख दिए जो अचार में डालने के लिए, और अचार में ऐसे डाल देते हैं कि अचार खराब नहीं होता है। देखिए बहुत अच्छा से तेल गरम हो गया। अब गैस बंद कर दिए, उसको ठंडा होने के लिए रखें। अब जो मिर्ची 1 घंटा 1.5 घंटा पहले सब काट के मिला के रखे थे, उसमें तेल और जो मसाला बना के रखे थे वो मसाला मिक्स करेंगे। दोस्तों बस ये तैयारी करने, काटने में ही तैयारी लगती है मसाला, और ये अचार बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। सारा मिक्स कर दिए। कितना सुंदर लग रहा है देखने में, एकदम झटपट, इसको आप अभी से ही खा सकते हैं। इसमें कलर के लिए थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कि जिसमें इसका कलर भी अच्छा लगेगा देखने में। कलर के लिए 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच के करीब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इसका कलर अच्छा होगा, कलर बहुत सुंदर लगेगा देखने में अचार। इसको शीशे की अच्छी बर्नी लेकर के उसमें अचार डाल, अचार को उसी में रख देंगे। वो आपको 2 महीना 3 महीना जितना चले तब तक आप खराब नहीं होगा, आप खाते रहिए। दोस्तों अगर ये अचार आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, फॉलो भी करिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है द मम्मीज ब्लॉग। थैंक यू, धन्यवाद।